35 में से 34 मेंबर कार्ड से उनके हैं, वो प्रस्ताव पास कर रहे हैं, उसके बाद में आंदोलन खड़ा कर दिया कांग्रेस और केंद्रीय मंत्रियों को नेताओं को ये कहा जा रहा है कि आप हर इश्यू को लंबा खींचते जाओ। मीडिया वाले गए वहाँ पर, केंद्रीय मंत्रियों घर जाके तो गपशप करते हैं, बाहर जाके वो फिर जिस रूप में ये लोग ये भड़का रहे दंगों को, क्योंकि षड्यंत्र है, षड्यंत्र की बू आती है और मैं समझता हूँ ये सामने भी आएगा। 35 में से 34 मेंबर कार से उनके हैं, वो प्रस्ताव पास कर रहे हैं, उसके बाद में आंदोलन खड़ा कर दिया कांग्रेस के खिलाफ। ये जो हरकतें हो रही है ये उचित तो नहीं है सर, इतनी ज्यादा। और केंद्रीय मंत्रियों को नेताओं को ये कहा जा रहा है कि आप हर इश्यू को लंबा खींचते जाओ, हर इश्यू को लंबा खींचो। करौली अभी तक चला देश भर के अंदर, जबकि वहाँ घटना एक घंटे की हुई, जो वो तनाव हुआ था, दुकानें जलाई गई, एक घंटे में सब समाप्त हो गया। और आज पूरे देश के अंदर अभी भी करौली का नाम आता है। तो आप अगर तनाव होना एक बात है, कुछ घटनाएं छुटपुट हो गई हो तो दूसरी बात है, दंगा भड़कना तीसरी बात है। आप दंगा भड़कने से हम लोग रोकने में कामयाब रहे हैं, ये कोई कम बात है क्या? ये कैजुअलिटी नहीं हो पाई वहाँ पर, और उसके बाद में ही बड़ा प्रचार प्रचार चल रहा है। दिल्ली से कई मीडिया वाले गए वहाँ पर, केंद्रीय मंत्रियों घर जाके तो गपशप करते हैं, बाहर जाके वो फिर बैठ लेते हैं। तो ये नाटक चलता रहता है। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा, ये तमाम आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं इनको चाहिए, आज तुम सत्ता में बैठ गए हो, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है, और विथ ह्यूमिलिटी कांग्रेस ने हार स्वीकार करी। अब उसके बाद में समझ में नहीं आता हम कोई अपने दुश्मन है क्या? ये तो लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई है, सरकार बदलती रहती है, पर जिस रूप में ये लोग ये भड़का रहे दंगों को, इसमें षड्यंत्र है, षड्यंत्र की बू आती है, और मैं समझता हूँ ये सामने भी आएगा। केंद्र सरकार अगर आगे आ जाए तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि 7 राज्यों में एक सा तरीके दंगा होना ये मायने रखता है। लेकिन टारगेट राजस्थान ही रहता है सर। राजस्थान में टारगेट हमेशा रहेगा, पहले से ही वो तो रहेगा रहेगा। सर राजस्थान में जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है, इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और बिजली की बहुत ज्यादा कीमत है। ये तो 16 राज्यों के अंदर क्राइसिस चल रहा है बिजली का, उसमें राजस्थान भी है। हम लोग जो बिजली खरीदते हैं मार्केट से, उसमें हम लोग अपनी बोली लगाते हैं, बोली लगानी पड़ती है। अब उसमें 12 रुपये रेट है, भारत सरकार ने हम 12 रुपये तक भी खरीदने के तैयार हैं हमारी जनता के लिए, परंतु वो 12 रुपये भी नहीं मिल पा रही है, वो तकलीफ सबको तकलीफ हो रही है। तो मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी जो कोयले का संकट है, विदेश मंगाना है या देश से उत्पादन जो एक्सपोर्ट करना है, होना चाहिए और ये संकट समाप्त होना चाहिए।